यहां पर पहला सबक था हुरूफ़े तहजी, उर्दू के लेटर्स जो 36 है वो हो गए हैं मुकम्मल। अब यहां पर उर्दू लेटर्स पर जबर जेर पेश के साथ कैसे लिखते हैं, कैसा पढ़ते हैं, और जैसे आ ई उ बा बी बू पा पी पू, देखिए एक मरतबा यहां पर लिखेंगे आ आ जबर ऊपर डालेंगे, ई जेर नीचे डालेंगे, उ पेश ऊपर डालेंगे, ये है आ, ये है ई, ये है उ। उसके बाद लिखेंगे बा जबर डालेंगे, बी जेर डालेंगे, बू पेश डालेंगे, इस तरह पा देखिए नीचे तीन नुक्ते जबर डालेंगे, पी पा लिखकर जेर डालेंगे, पू देखिए नीचे तीन नुक्ते डालकर पेश डालेंगे पू। उसके बाद लिखेंगे ता, ता लिखेंगे जबर डालेंगे, ती ता लिखेंगे जेर डालेंगे, तू ता लिखेंगे पेश डालेंगे। उसके बाद टा, टा लिखेंगे जबर डालेंगे, ऊपर से लगे को जबर, टी टा लिखेंगे जेर डालेंगे, टू टा लिखेंगे पेश डालेंगे, टू सा लिखेंगे ऊपर तीन नुक्ते जबर डालेंगे, सा लिखेंगे जेर डालेंगे, सी सा लिखेंगे पेश डालेंगे, ये हुआ सु। उसके बाद है जा, जीम जबर जा, यहां देखिए जीम लिखेंगे जबर डालेंगे, जा जीम लिखेंगे जेर डालेंगे, जी जीम लिखेंगे पेश डालेंगे, जू चीम लिखेंगे जबर डालेंगे, चा ये देखिए चीम लिखेंगे जबर डालेंगे, चा चीम लिखेंगे जेर डालेंगे, ची ये देखिए चीम लिखेंगे पेश डालेंगे, चू ये हुआ चू, हा लिखेंगे जबर डालेंगे, हा ये देखिए हा, हा लिखेंगे जेर डालेंगे, ही हा लिखेंगे पेश डालेंगे, हू खा लिखेंगे जबर डालेंगे, खा खा लिखेंगे जेर डालेंगे, खी ये देखिए खा जेर खी, खु खा लिखेंगे पेश डालेंगे, खु खा पेश खु, जीम हो गया चीम, हा खा हो गया। यहां लिखेंगे दाल लिखेंगे जबर डालेंगे, दाल जबर दा देखिए, दाल जेर दी, दाल पेश दू, दा दी दू। उसके बाद है दाल जबर डा, दाल जेर डी, दाल पेश दू, उसके बाद है जाल, जाल जबर जा, जाल जेर जी, जाल पेश रू, जबर जेर पेश। ये देखिए रा, रा लिखेंगे रा पर जबर डालेंगे, रा री
रा लिखेंगे, जेर डालेंगे, री रू रा लिखेंगे, रा पर पेश डालेंगे, रा री रू। उसके बाद है अड़ा, अड़ा जबरड़ा, अड़ा जेरडी, अड़ा पेश रू। देखिए जा, जा जबर जा, जा जेर जी, जा पेश जू, जा जबर जा, जा जेर जी, जा पेश जू। दे देखिए उसके बाद है सीन, सीन जबर सा, सीन जेर सी, सीन पेश सु, सा सी सु, शीन जबर शा, शीन जेर शी, शीन पेश शु। ये देखिए तीन नुक्ते, इसे कहते हैं पेश। शा शी शु, सौद जबर सौ, सौद जेर सी, सौद पेश शु। ये सी सौ सी शु। उसके बाद जोद जबर जो, जोद जेर जी, जोद पेश जू। उसके बाद है तो जबर तो जेर ती, तो पेश तू। उसके बाद है जो जबर जो, जो जेर जी, जोद पेश जो पेश जू। यह है जो जबर वो, वो जेर जी, वो पेश जू। आइन जबर आ, ये देखिए आइन जबर आ, लिखने का तरीका देखिए, जैसे लिख रहे उसी तरह लिखना है। आइन जेर आई, आइन पेश रु, गैन जबर गा, गैन जेर री, गैन पेश गु, रु। उसके बाद फा जबर फा, फा जेर फी, फा पेश फु, फा फी फु। उसके बाद काफ जबर ता, काफ जेर की, दो नुक्ते हैं, काफ पेश उ, काफ जबर का, काफ जेर की, काफ पेश कु, का इ उ, का की कु। उसके बाद है गाफ, गाफ जबर गा, ऊपर नुक्ता, ऊपर जबर आएगा गा, गाफ जेर गी, जेर, गाफ पेश गु। ये देखिए इसके ऊपर डबल आएगी आखिर, लाम जबर ला, ये देखिए लाम जबर ला।
लाम जेर ली, लाम पेश लू, गा गी गु ला ली लू, मीम जबर मा, मा मीम जेर मी, जेर दाएं तो मी, मीम पेश मु, मा मी मु, नून जबर ना, नून जबर ना, नून जेर नी, नून पेश नू, उसके बाद ना नी नू, वाव जबर वा, वाव जेर वी, वाव पेश वु, ये वा वी वु, हा हा जबर हा, हा जेर ही, हा पेश हु, ये देखिए इस तरह भी आ सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं, हा ही हु, हमजा जबर आ, ये देखिए हमजा जबर आ, हमजा जेर ई, हमजा पेश उ, आ ई उ, उसके बाद रह गया या, या जबर या, या जेर यी, या पेश यू, और एक दूसरा भी या इस्तेमाल होता है, ये है या, या के नीचे दो नुक्ते होते हैं, ना डाले तब भी चलेगा, डाले तो तब भी चलेगा, या जबर या जेर यी, या पेश यू, हाँ डाले चलेगा तब भी चलेगा। देखिए आ ई उ, बा बी बु, पा पी पु, ता ती तु, टा टी टू, सा सी सु, जा जी जु, चा ची चु, हा ही हु, खा खी खु, दा दी दु, डा डी डु, जा वी दु, अडा डी डु, जा जी जु, जा जी जु, सा सी सु, शा शी शु, सा शी शु, वो वी लु, तो ती तु, वो वी लु, आ ई रु, वो वी लु, फा फी फु, ता ती तु, का की कु, गा गी गु, ला ली लु, मा मी मु, ना नी नु, वा वी हु, हा ही हु, आ ई उ, या यी यु, या यी यु। तो इसके अंदर आप लोग जो है जैसा हम लिख रहे थे, हमारा हाथ जिस तरीके से चल रहा था, तो आप लोग भी सेम उसी तरीके से आप ग्रुप को लिखे, आप उल्टा ना लिखे, बहुत सारे अफराद लिखना नहीं आता ना, तो बा को लिखेंगे इधर से, तो लोग क्या करते हैं इधर से लिखते हैं, इसी तरह जब चीम लिखते हैं तो लोग क्या करते हैं कि इस तरीके से उल्टा लाकर, इस तरह लाकर, इस तरह नहीं, जिस तरीके से हमारा हाथ को आप अच्छी तरह देखें, तो जिस तरीके से हम लिख रहे हैं आप भी अपना हाथ उसी तरीके से घुमाएंगे, तो आपको उर्दू सही माने में लिखना और पढ़ना भी सही आएगा। तो जिस तरीके से हमारा हाथ हिल रहा है, घूम रहा है, उसी तरीके से आप उस हरूफ को देख कर आप लिखें, जिस तरह हम लिख रहे हैं उसी तरीके से आप देख कर लिखेंगे, तो फिर आपको उर्दू सही माने में लिखना भी आएगा, पढ़ना भी आएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तमाम मुसलमानों के लिए जरूरी है कि उर्दू जुबान लिखना पढ़ना सीखें और अपने बच्चों को उर्दू लिखना पढ़ना सिखाएं, क्योंकि हमारी मादरी जुबान उर्दू जुबान है और दीनी इल्म दुनिया में अरबी जुबान के बाद दूसरे नंबर पर उर्दू जुबान में ही मौजूद है। दीन की बहुत सारी बातें उर्दू जुबान में ही मौजूद है। अगर आप लोग खुद उर्दू जुबान सीखेंगे और अपने बच्चों को भी उर्दू लिखना पढ़ना सिखाएंगे तो बहुत सारी दीनी बातें और दीनी इल्म हासिल होगा और दीन पर अमल करना भी आसान होगा,
क्योंकि अमल के लिए इल्म जरूरी है। और हम आप लोगों को एक आसान तरीके से उर्दू लिखना पढ़ना सिखाएंगे। ये तरीका इतना आसान होगा कि स्कूल और कॉलेज पढ़ने वाले तलबा स्टूडेंट्स और इसी तरह बड़े लोग, मर्द हो या औरत, जवान हो या बूढ़े, आसान तरीके से 2 महीने के अंदर उर्दू जुबान लिखना पढ़ना सीख सकेंगे। इसके लिए जरूरी है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे उर्दू लिखने पढ़ने के तरीके के वीडियोस पार्ट्स की शक्ल में आप तक पहुंच सके।